सरकारी तेल कंपनियों ने आज गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की है। 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा होकर 819 रुपए का हो गया है। पहले ये 794 रुपए था। 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी 2021 को इसकी कीमत 694 रुपए थी, जो कि अब 819 रुपए हो गई है। फरवरी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़े थे। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए और 25 फरवरी को 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। बात करें पिछले साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर महीने की, तो 1 दिसंबर को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 594 रुपए से बढ़कर 644 रुपए हुआ था। 1 जनवरी को फिर से 50 रुपए बढ़ाया गया था, जिसके बाद 644 वाला सिलेंडर 694 रुपए हो गया था। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 694 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हो गई थी। 15 फरवरी को 719 रुपए से बढ़कर 759 रुपए हो गई थी और 25 फरवरी को 25 रुपए बढ़ने के बाद इसकी कीमत 759 रुपए से बढ़कर 794 रुपए आ गई थी और अब आज की बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 819 रुपए पर पहुंच गई है। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इनमें बढ़ोतरी करनी है या कमी करनी है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी डॉलर के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 90.50 रुपए महंगे हुए हैं। अगर जो हम भारत के 4 महानगरों की बात करें, तो जिसमें दिल्ली में ये कॉमर्शियल सिलेंडर 1614 रुपए, मुंबई में 1563 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 1681 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1730 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है।